गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि शेयर मार्केट में हम जब शेयर ख़रीदते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे शेयर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हमें मेंटेन करना पड़ता है कि कौन सा शेयर हमने ख़रीदा है, किस रेट में ख़रीदा है, कितने शेयर हैं, किस तारीख में ख़रीदा था, कौन सा हमने बेच दिया है, कितनी प्रॉफिट हुई, किस शेयर में हमारा कितना लॉस हो रहा है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ती है अपने पास, जिससे कि हम पता लगा सकें कि हमें कितनी प्रॉफिट और कितनी लॉस हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में, या टोटल हमें जानना है कि इस वक्त हमारे शेयर की क्या वैल्यू है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, ये हम किस तरीके से जानेंगे। इसके लिए हमने moneycontrol.com नाम का एक वेबसाइट है, ये देखिए, इसको हम ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर हम पोर्टफोलियो में जाकर एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही बार में एक ही जगह दिख जाएगी, जो कि बहुत हैंडी होती है। आपको ज़्यादा तकलीफ़ या प्रॉब्लम या किसी तरीके बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से उस चीज़ को देख पाएंगे, क्योंकि मैं भी पर जाता हूँ पोर्टफोलियो पर, और पोर्टफोलियो पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक यूज़र साइन इन फॉर्म दिख रहा है मुझे, यहाँ यूज़र आईडी है, ये यूज़र आईडी भी दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक नए तरीके से नया फॉर्म बनाकर दिखाऊंगा पोर्टफोलियो, तो उसके लिए मैं साइन इन नहीं करूँगा बल्कि न्यू टू मनी कंट्रोल साइन अप नाउ पर जाऊँगा मैं। ये बिल्कुल नया एक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, साइन अप का मतलब यहाँ पर यही है कि हमें यहाँ एक नया अकाउंट बनाना है इस वेबसाइट पर। चलिए मैं यहाँ पर एक कोई नाम सोचता हूँ, पोर्टो नाम देता हूँ, ये भी एक वेबसाइट का ही नाम है, लेकिन मैं इसको एक यूज़र नेम यहाँ बनाना चाहता हूँ। ओह, ये देखिए यहाँ पोर्टो के नाम से भी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक और नाम लेता हूँ, हो सकता है हमारा वो नाम काम कर जाए। और मैंने ये नाम लिया, हाँ, रिजवान अंसारी 26 के नाम से एक मैं बना देता हूँ। चलिए, या यूज़र नेम अवेलेबल है। चलिए यहाँ इसका पासवर्ड डालता हूँ मैं, जो भी मैं अपना इस अकाउंट का पासवर्ड रखना चाहता हूँ, मैं एक पासवर्ड देता हूँ। यहाँ पर इसने कुछ पासवर्ड के लिए भी इंफॉर्मेशन दी है कि आप एक नंबर, एक अपर केस करेक्टर और एक सिंबल, कोई जैसे डॉलर है, अंडरस्कोर है, हाइफन है, कोई भी एक सिंबल, एक नंबर 1 2 3 कुछ भी लें और एक अपर केस में करेक्टर। मैंने यहाँ पासवर्ड कंफर्म करने के लिए डाल दिया, यहाँ मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जो जहाँ पर ये अपने कुछ नोटिफिकेशन भेजेगा कि आज आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ बढ़ गई है, आज आपको पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है, इस तरीके की काफ़ी सारी मेल्स के लिए ये हमारा ईमेल आईडी यूज़ करेगा। चलिए हम यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं इसको, ये रिफ़्रेश होकर फॉर्म सबमिट हो रहा है, यहाँ मैं गूगल क्रोम में इसके लिए सेव कर देता हूँ। हमारा अकाउंट तो बन चुका है, यूज़र आईडी में हम साइन इन फॉर्म में यूज़र आईडी डाल देते हैं जिसने रिजवान अंसारी 26 के नाम से मैंने बनाई थी, और मैं इसका पासवर्ड जो भी है XYZ या ABCD जो भी 8 करेक्टर का मिनिमम पासवर्ड है ये मैं डाल देता हूँ, और मैं इसको की मी साइन इन, यानी कि मैं अब इसमें लॉगिन रहूँगा और मैं बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके मेरे ईमेल आईडी पर मेरा पासवर्ड पहुँच जाएगा नया जनरेट करने के लिए, फिर मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर एक फॉर्म खुल गया है, वेबसाइट का पेज ये ऐड है, यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ये इस वक्त मेरी माई नेटवर्क दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है,
ये देखिए यहाँ सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिखा रहा है, कितनी वैल्यू चल रही है आज, आज सेंसेक्स कितना चल रहा है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड है, यूलिप है, बुलियंस हैं, गोल्ड के रिलेटेड, सिल्वर के रिलेटेड जो भी हैं, प्रीशियस मेटल, लॉन्स चल रहे हैं हमारे, प्रॉपर्टी एसेट्स जो भी हैं, यहाँ पर हम अपना उसकी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। हम यहाँ पर चूँकि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम यहाँ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बाकी जो आप चाहें, चलिए मैं यहाँ पर एक ऐड करके एक स्टॉक ऐड कर लेता हूँ, यानी कि एक शेयर को ऐड करता हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने मान लीजिए ख़रीदा है कोई शेयर रिलायंस से लेते, चलिए रिलायंस सर्च करता हूँ मैं। यहाँ सारे काफ़ी सारे रिलायंस के वो आ चुके हैं, रिलायंस इन्फो, रिलायंस केमोटेक्स, पेट्रोलियम, और ये कम्युनिकेशन, म्यूचुअल फंड, यानी कि दोनों ही रिलायंस की जितनी भी कंपनियां हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये पावर है, रिलायंस पावर का है शेयर, यहाँ वो दोनों ही के शेयर दिखा रहा है क्योंकि वो सभी रिलायंस से स्टार्ट हैं। तो मैं ये रिलायंस कैपिटल कैपिटल देख लेता हूँ, इसको ऐड करता हूँ मैं। अब इसका ये BSE कोड दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये मांग रहा है ऐड स्टॉक डिटेल में, हमें ज़्यादा स्टॉक डिटेल नहीं डालनी, कोई सिर्फ डेट डालनी है कि किस तारीख में, किस डेट में हमने इसको परचेज़ किया था। ज़रूरी नहीं है हम इसको आज की डेट में दिखाएं, पीछे भी जाकर जब हमने परचेज़ किया है तब का हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2011 में, 2010 में लिया, चलिए मान लीजिए मार्च, 1 मार्च को, तो 1 मार्च 2010 को मैंने शेयर लिया, शेयर कितने थे, मान लीजिए 100 शेयर थे, मेरी प्राइस क्या थी, मान लीजिए 200 थी, सपोज कर लीजिए, अकाउंट है जो वो दिखा रहा हूँ मैं, नोट आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ जो प्राइस डालें वो ब्रोकरेज चार्जेस और जो STT ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, उसको साथ में डाल कर रखें। चलिए मैं सेव करता हूँ इसको, ये यहाँ पर रिफ्रेश होगा, ये हो गया, ये देखिए ये हमारा दिखा रहा है। अब हमारा जो 0.0 आ रहा था, अब यहाँ पर हमारा दिखा रहा है 48,995 रुपये, और आज की यहाँ ये दिखा रहा है 48,000, लाइव प्राइस 489.95 रुपये, चेंज हुआ आज 18 रुपये का, क्वांटिटी हमारी 100 थी, प्राइस 200 रुपये का ख़रीदा था हमने, इन्वेस्टेड प्राइस, आज का गेन हुआ 1860 रुपये इन 100 शेयर पर, यानी कि 3.94%, लगभग 4%। ओवरऑल हमने आज तक जितना कमाया है इस प्रॉफिट में, इस शेयर में प्रॉफिट 28,995, लास्ट लेटेस्ट वैल्यू है 48,995। ये वो वैल्यू होती है जो कि हमारी टोटल वैल्यू है, देखिए क्वांटिटी, प्राइस, इन्वेस्टमेंट रेट, अमाउंट, 20,000 रुपये का हमने इन्वेस्ट किया था, उसके हमारे 48,000 रुपये हो गए हैं, 48,995 रुपये। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा हो गया है एक स्टॉक, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, लोगों के व्यू आते हैं, एक्सपर्ट के व्यू आते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे हमारा टोटल एक स्टॉक दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये 100% वही स्टॉक दिखा रहा है, बाकी और स्टॉक कोई हमारा माइनस में भी नहीं है और कोई चेंज भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास कोई स्टॉक में चेंज नहीं हुआ है किसी में भी। चलिए दूसरा कोई एक और शेयर ऐड कर लेता हूँ मैं, बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया ये रहा, इसका यूबीएससी कोड दिखा रहा है, यहाँ पर डेट ले लेता हूँ मैं, बाकी डेट लूँगा। दो हज़ार 2013 में इसकी डेट लेता हूँ मैं, और शेयर है हमारे, भाई सॉरी रखते हैं, 550 की रेट है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पर वही फ्रेश होगी विंडो, ये देखिए यहाँ पर अब 3055 की प्रॉफिट दिखा रहा है हमें, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में हमें यहाँ पर आज भी प्रॉफिट ही हुई है, क्योंकि तो हमने आज जो है वो 132 रुपये 95 रुपये पे चला है ये, जो कि 7 रुपये 75 70 पैसे प्रॉफिट हुई है, लेकिन ओवरऑल में हमें 41,705 का नुकसान दिखा रहा है, जो कि 75% से ज़्यादा है, और टोटल वैल्यू 13,295 दिखा रहा है, जबकि हमने 55,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और लॉस 41,705 रुपये है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस में भी दिखाता है हमें, और हम एक नज़र में पहचान सकते हैं कि हमारा कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। अब मान लीजिए हमें किसी शेयर को सेल करना है, तो हम उसको कहाँ से करेंगे, कि इसमें 100 शेयर हैं, मान लीजिए हम सेल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सेल पर जाएंगे, यहाँ रिलायंस कैपिटल सेल करना है हमें, मान लीजिए ये स्टॉक का नाम है, ये कितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है, उसकी क्या प्राइस थी जब आपने उसको सेल किया है, मान लीजिए आज 489 है, हमने 485 पर सेल किया था मान लीजिए, और कब की प्राइस थी, डेट ले लेते हैं, कब बेचा है आपने, 4 तारीख को बेचा है, चलिए ब्रोकर का नाम एक्स वाई जेड ब्रोकर, जो भी ब्रोकर है, और यहाँ पर आई डोंट नो द प्राइस है जो, तो वो जब है, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं डालते, तो वो आज की डेट उठा लेगा, नोट में आप जो नोट डालना चाहें वो नोट डाल दीजिए, चीज़ नहीं है, बस ये है कि चलिए सेव करते हैं। ये है कि एसटीटी और ये सब चीज़ें उसमें मिल होना चाहिए, प्राइस के साथ में सेव हो गया ये, और हम हमारा कौन सा शेयर, ये रिलायंस कैपिटल में क्वांटिटी 100 थी, जो 50 दिखा रही है, और हमारे 50 भेजने के बाद भी 14,498 रुपये बचे हुए हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे या तो ये वाला एडिट करता हूँ मैं, तो क्वांटिटी 100 है और ये एडिट करते हैं, क्वांटिटी 100 है, और ये हम चाहते हैं कि हमें 550 पर नहीं खरीदा, बल्कि इसको कम रेट पर या ज़्यादा रेट पर जो भी एडिट करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 450 कर देता हूँ मैं इसको, कि हमने 450 का ख़रीदा मान लीजिए, और वही नोट सेव कर दीजिए, रिफ्रेश हुआ एक्चुअली में, तो फिर बैंक ऑफ इंडिया एडेट 450 है इसकी रेट, मान लीजिए 550 नहीं थी, अभी हमें 41,000 का नुकसान था, डीएससी ने किस एक्सचेंज से है ये भी यहाँ पर देख सकते हैं हम, बाकी वही चीज़ है जो सेव कर देते हैं। चलिए इकतालीस हज़ार का नुकसान था हमें, अब 450 होने की वजह से रेट कम हो गई हमारी, कम नुकसान है, 31,000 रुपये का नुकसान है, इसको हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा, ये स्टॉक सोल्ड बॉट वाले में हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बैक डेट में खरीदे हुए हैं, और यहाँ पे डेट रेंज कुछ अलग दिखा रहा है, तो सोल्ड जो हमने बेचा है वो आज एक शेयर बेचा था रिलायंस कैपिटल के 50,
किस रेट में है, क्या प्राइस थी और हमें प्रॉफिट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। म्यूचुअल फंड, यूलेट, इन बाकी जो चीज़ आप जहाँ पर एंटर करेंगे वो आपको सारे रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाएगा। आपको मैन्युअली कोई हाथ से अपनी कॉपी या कोई डायरी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इनसिक्योर भी होती है। यहाँ पर डेट दिखा रहा है, किस पीरियड, टाइम पीरियड की दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान लगा होगा और आप इसको अपने डेली शेयर सेल परचेज करने के उसमें यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल प्रॉफिट गेन क्या है सब पता लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वेबसाइट www.rizwanansai.com पर और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।